हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर एम्प्लॉय। फिर से आ चुका हूँ न्यू कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर। कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा है सुजुकी मोटर गुजरात की तरफ से। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं सुजुकी मोटर गुजरात में जॉब करने के लिए, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ, कहाँ पर कैंपस लग रहा है, कब कैंपस लग रहा है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है सुजुकी मोटर कैंपस प्लेसमेंट 2022, फ्रेशर आईटीआई पास, ट्रेनिंग गुजरात मई 2022। तो ये मई में भर्ती की जा रही है सुजुकी मोटर गुजरात द्वारा। कैंपस द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं, आईटीआई पास कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कंपनी का नाम बताया गया है, कंपनी का नाम है सुजुकी मोटर गुजरात। ये कंपनी का पूरा नाम है, आगे प्राइवेट लिमिटेड भी लगाते हैं। तो ये सुजुकी मोटर गुजरात जितने भी कैंडिडेट जानते हैं उन्हें पता होगा कि इस कंपनी में मैं भी वर्क कर चुका हूँ। यहाँ पे कंपनी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है www.suzukimotorcycle.com। ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंपनी के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। जॉब रोल की यहाँ पे बात करें, जॉब रोल यहाँ पे आपका ट्रेनी का रहने वाला है। तो शुरुआत में कंपनी आपको ट्रेनिंग कराएगी, और फिर कंपनी की डिमांड और आपका जो वर्क करने का तरीका है उस पर आपका प्रमोशन डिपेंड करेगा। जॉब लोकेशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गुजरात आपका जॉब लोकेशन रहेगा, जैसा कि कंपनी के नाम से स्पष्ट होता है सुजुकी मोटर गुजरात। और सैलरी की यहाँ पे बात करें तो 20,100 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि 10वीं कक्षा में कम से कम 50% नंबर अनिवार्य हैं, और मध्य प्रदेश छोड़ के अन्य सभी राज्यों के लिए कम से कम 55% नंबर अनिवार्य हैं। तो जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट होंगे उन्हें कम से कम 50% नंबर लाना है, और जो अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं उन्हें कम से कम 10वीं में 55% नंबर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आईटीआई में आपके 60% नंबर सभी के अनिवार्य हैं, तभी आप इस कंपनी में जॉब ले पाएंगे। एलिजिबल ट्रेड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है आईटीआई आपने 2 साल का कंप्लीट किया होना चाहिए इन ट्रेडों से, जैसे कि फिटर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, बेल्डर, पेंटर, जर्नल, इलेक्ट्रीशियन, टूल डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेस ऑपरेटर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, COE, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक। ये सभी ट्रेडें यहाँ पे एलिजिबल हैं। इन ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें जा सकते हैं, आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 18 से 23 ईयर तक यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। जितने भी कैंडिडेट का उम्र 18 कंप्लीट हो चुका है और 23 से कम है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे पास आउट ईयर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2017 से लेकर 2022 में जितने भी कैंडिडेट के आईटीआई के रिजल्ट आए हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं, वो सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे नोट में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हरियाणा और पंजाब के छात्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के छात्र इस कैंपस में शामिल हो सकते हैं। तो हरियाणा और पंजाब स्टेट को छोड़ के अन्य सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं। अब कैंपस इंटरव्यू डिटेल की यहाँ पे बात कर लेते हैं, कहाँ पे कैंपस लग रहा है। तो यहाँ पे डेट दे रखी है 31 मई 2022 को यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाएगा। टाइम यहाँ पे 9:30 AM दे रखा है मॉर्निंग में, तो आपको 9:30 बजे दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाना है। एड्रेस की यहाँ पे बात करें तो एड्रेस यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट आईटीआई बंगना, तहसील बंगना, डिस्ट्रिक्ट यूना, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के यूना में यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट लगाया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे जाना चाहते हैं वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे। हरियाणा और पंजाब के कैंडिडेट इसमें नहीं जाएंगे, वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे।
वीडियो की रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।